रिसेंटली आने वाले कई सारे फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है और जहां पर लियो से शुरू करके वार टू का अपडेट भी शामिल है। तो दोस्तों लिस्ट पर और कौन कौन सी फिल्म है जानने के लिए इन तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 14 गुंटूर करम का अपडेट और जहां पर ये है टॉयलेट का प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और गुंटूर करम का अभी तक की शूटिंग कई बार स्टॉप था, यानी कि लगातार शूट काफ़ी कम हुआ है, पर अभी मेकर्स ने प्लान किया है कि फिल्म का शूटिंग नॉन स्टॉप करेगा और जुलाई से ये शूटिंग स्टार्ट होगा और मेकर्स का नवंबर तक शूटिंग कंप्लीट करने का प्लान है और फिल्म को 2024 का संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 13 मामन्नान का ट्रेलर और ये है तमिल का अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसका रिसेंटली एक ट्रेलर रिवील्ड की गई है जहां पर पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल को हाईलाइट की गई है और फिल्म का ट्रेलर ज़्यादातर वादी वेलूस का कैरेक्टर पर बेस्ड था और इसके अलावा फिल्म पे है उदयनिधि स्टालिन वादी वेलू फहद फसील और कीर्ति सुरेश और ये फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट का फिल्म होगा जो रिलीज होगा 26 जून इसी साल। नंबर 12 स्पाई का रिलीज डेट और ये है निखिल सिद्धार्थ का अपकमिंग थ्रिलर फिल्म जिसका स्टोरी नेताजी सुभाष चंद्र पर बेस्ड होगा और ये फिल्म होने वाले है विजुअली स्टैनिंग फिल्म क्योंकि फिल्म का वीएफएक्स के पीछे 4 कंपनी काम कर रही है और साथ में है 1000 स्किल्ड सीजीआई टेक्नीशियन। और निखिल का ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे इसी साल 29 जून रिलीज होगा, यानी कि एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म इज कमिंग। नंबर 11 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर जहाँ पर यह है अपकमिंग रोम कॉम फिल्म जहाँ पर रणवीर सिंह आलिया भट्ट लीड रोल में है और फिल्म पे एक इंटेंस लव स्टोरी को दिखाया जाएगा और इसका मोस्ट एटेड टीजर रिवील किया जाएगा 20 जून। नंबर 10 प्रभास का नेक्स्ट जहाँ पर आदि पुरुष के बाद प्रभास का और एक अपकमिंग फिल्म आ रही है मारुठी के साथ और जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगा। सभी लोग इस फिल्म को राजा डेल्यूक्स टाइटल पे जानते थे पर दोस्तों फिल्म का टाइटल अभी चेंज करके रॉयल रखा जाएगा और ऑलरेडी रॉयल फिल्म का 50% शूटिंग कंप्लीट हुआ है। नंबर 9 बवाल रिलीज डेट और ये है वरुण धवन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट जो क्रोमेटिक फिल्म होगा जहाँ पर वरुण के साथ है जन्वी कपूर और दोस्तों फिल्म का स्टोरी लाइन विजुअल और दोनों की केमिस्ट्री सबका दिल जीत लेने वाले हैं। पर ये फिल्म थिएटर नहीं बल्कि डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इस साल जुलाई पे रिलीज की जाएगा। नंबर 8 रवि तेजस नेक्स्ट द मास महाजा रवि तेजा ने और एक बार डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी के साथ आ रही है और इस बार रवि तेजा के साथ है लीड एक्ट्रेस के रोल में श्रीलीला, यानी कि और एक बार धमाका के बाद दोनों को ऑन स्क्रीन पर नजर आएंगे और दोनों की केमिस्ट्री और हाई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने के लिए फैंस ने काफ़ी एक्साइटेड है। नंबर 7 वॉर टू का एक्ट्रेस और यशराज फिल्म का मोस्ट हाइप स्पाई यूनिवर्स का अपकमिंग पार्ट आ रही है वॉर टू जहाँ पर एक तरफ है ग्रीक गॉड ऋतिक दूसरी तरफ है यंग टाइगर एंटियर और इसी फिल्म का लीड एक्ट्रेस के रोल पे है कियारा आडवाणी। हाँ दोस्तों और ये इन तीनों का होगा फर्स्ट कोलाबोरेशन और जिसको डेट करने वाले हैं यंग डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने। नंबर 6 जापान का अपडेट तमिल का अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर कार्थिको एक ज्वेलरी चोर के रोल में नजर आएंगे और अभी फिल्म का फाइनल शूटिंग चल रही है चेन्नई पे जहाँ पर एक गांव का सेट बनाई गई है और बता दोस्तों जहाँ पर जापान फिल्म को इसे दिवाली पर रिलीज की जाएगा। नंबर 5 सुधीर बाबू का नेक्स्ट सुधीर बाबू का अपकमिंग फिल्मों का अपडेट आई है जहाँ पर फिल्म का टाइटल रखा गई है मां नन्ना सुपर हीरो। इसमें एक फादर और सॉन का रोड ट्रिप पर स्टोरी को दिखाया जाएगा। नंबर 4 काजल अग्रवाल स्पेशल काजल की बर्थडे के मौके पर उनकी दोनों फिल्म की अपडेट आई है, एक तरफ सत्याभामा टीजर जो एक अपकमिंग एक्शन फिल्म होगा जहाँ पर काजल को एक कॉप के रोल में नजर आएंगे और ये है फीमेल सेंट्रिक फिल्म और दूसरी है भगवंत केसारी का फर्स्ट लुक और इसमें उनकी रहा काफ़ी चार्मिंग एफ्टर।
नंबर 3 शाहिद कपूर नेक्स्ट। ये अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहाँ पर शाहिद कपूर के साथ पहली बार के लिए कृति सनोन कोलैबोरेशन कर रही है और एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी फिल्म होगा और ये फिल्म रिलीज की जाएगा इस साल 7 दिसंबर। नंबर 2 थारम का अपडेट और ये अपकमिंग मलयालम का कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर निविन पावली को काफ़ी डिफरेंट एक्टर में नजर आएंगे और माना जा रही है कि फिल्म प्रेमम जैसी सेम वाइब का फिल्म होगा और फिल्म का शूटिंग स्टार्ट की जाएगा सितंबर से। नंबर 1 लियो शॉकिंग जहाँ पर यह है थलपति विजय का मोस्ट हाइप अपकमिंग प्रोजेक्ट। डायरेक्ट करी है लोकेश कनगराज ने और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कश्मीर में शूटिंग के टाइम पे थलपति विजय ने लगभग -20 डिग्री सेल्सियस में एक फाइट सीक्वेंस का शूटिंग किया था दोस्तों और उस बात काफ़ी टफ सिचुएशन था। और दूसरा अपडेट की बात करूँ तो जहाँ पर लियो का फर्स्ट गाना नारेडी रिलीज की जाएगा विजय का बर्थडे के मौके पर 22 जून। तो इसी गाना के लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए। तो सो ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।